आज के विचार का विषय है ओवर थिंकिंग से निजात। प्रिय दोस्तों, इस धरती पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने विचारों का वरदान दिया है। ये विचार हमारे मन का भोजन है, ये विचार हमारे मन को आनंदित करते हैं। लेकिन आज सुजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम इन विचारों में अटक जाते हैं, खास तौर पर भूतकाल और भविष्य के चिंताग्रस्त विचारों में हम फंस जाते हैं, तो इन विचारों का हमारे शरीर और मन पर कुप्रभाव पड़ता है। आज सुजेस्ट करना चाहूँगा कि हमें अपना जीवन इन विचारों के प्रति साक्षी भाव में जीना चाहिए। हमें अपनी सेल्फ टॉक के प्रति सजग हो जाना चाहिए। हमें खास तौर पर अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक के प्रति कॉन्शियस हो जाना चाहिए और इससे बचना चाहिए। हमें अपने आप से नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ बातें करनी चाहिए। हमें भगवान के साथ बातें करनी चाहिए, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। हमें तथागत बुद्ध की अनापति सती में खो जाना चाहिए, एक लंबी सैर पर निकल जाना चाहिए, किसी अच्छी किताब से जुड़ जाना चाहिए, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी।